चलते आम आदमी आर्थिक तंगी से परेशान हो रहा है। वहीं इस भयंकर मंदी की मार अब औद्योगिक जगत में भी देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में गाजियाबाद में साइकिल बनाने वाली कंपनी एटलस के बंद होने का विवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ कि एक बार फिर से साइबाबाद साइड 4 स्थित ऑटो गियर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने 186 मजदूरों को ले ऑफ नोटिस देने की बात कही है। नोटिस में लिखा है कि काम बंदी होने के चलते मंदी का असर कंपनी की आर्थिक स्थितियों पर भी पड़ा है। मजदूरों का कहना है कि कंपनी से एकाएक निकाल दिए जाने से घर का खर्च कैसे चलेगा, ऐसे में उनके सामने परिवार खर्च चलाने के लिए अब बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। CITU के महासचिव की माने तो कर्मचारियों को अप्रैल और मई माह का वेतन भी नहीं दिया गया था। ऐसे में कंपनी के कर्मचारियों की हालत पहले से ही खस्ता चल रही है। अब सोमवार को कंपनी ने एकाएक अपने 186 कर्मचारियों को ले ऑफ नोटिस भेज दिया है। लॉकडाउन के चलते पिछले 2-3 महीने से लोग मजदूर भूखा मर रहा है और अचानक ऐसे में फैक्ट्री चलती हुई फैक्ट्री को फिर दोबारा ले ऑफ लगा दिया गया है, तो मजदूर कहाँ जाएगा, क्या करेगा? लॉकडाउन में लोग तो नहीं आ रहे होंगे तब तो? लॉकडाउन में सब लोग ही आए, गेट पे फैक्ट्री चल रही थी। अच्छा, शनिवार तक फैक्ट्री चली है। अच्छा, कल संडे में नोटिस लगा दिया है, किसी को सूचना नहीं, कोई बताया नहीं है। अच्छा, गैर कानूनी नोटिस एटलस के बाद तुरंत ये कितना बड़ा आघात है आप लोगों के? ये हमारे मजदूर के ऊपर इतना बड़ा आघात है, शायद जीवन में कभी कहीं हमने सोचा नहीं था। अब इतना बड़ा आघात इस सरकार में ये उद्योगपति ऐसे माहौल को पैदा करेंगे और इतने बेरोजगारी एक साथ फैला देंगे। तो जो कर्मचारी हैं उनको आपने सुना कि एकाएक ये नोटिस जो है कर्मचारियों को दिया गया। इसी खबर पर आगे की जानकारी भी देने के लिए जितेंद्र भाटी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, अब ये कर्मचारी क्या कह रहे हैं और कंपनी का मालिक जो है वो क्या कुछ कह रहा है? देखिए, गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित साइडपोर इंडस्ट्रियल एरिया में अभी बीते दिनों एटलस कंपनी में कर्मचारियों को नोटिस दिया गया था। बेरोजगार हो गए थे कर्मचारी एटलस कंपनी के, और वहां भी एक बात कही गई थी कि निरंतर जो कि साइकिल की बात की जाए तो साइकिल तकरीबन 2,00,000 साइकिलें हर माह बन रही थी। तो कहीं से कहीं ये नहीं लगता कि आर्थिक तंगी के कारण एटलस कंपनी बंद हुई थी। और आप जब दूसरा झटका लगा है गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो गियर कंपनी बंद हुई है और 186 मजदूरों को ले ऑफ भेजा गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शनिवार तक ये कंपनी चल रही थी और अब अचानक 186 मजदूरों को जिस तरीके से बेरोजगार कर दिया गया है, कहीं ना कहीं बेहद गंभीर मामला है। और अब 186 मजदूर यानी कि 186 परिवार अब कैसे पड़ेंगे वो एक बड़ा सवाल है। भी देख रहे हैं कि मजदूर जो है वो कंपनी के बाहर है। पहले इसी तरह से साइकिल बनाने वाली जो एटलस कंपनी थी उसको बंद कर दिया गया, तब मजदूरों में गुस्सा देखने को मिला। अब क्या ये मजदूर प्रदर्शन करें, क्योंकि इनके हाथों में लाल झंडा जो है वो हम देख रहे हैं। देखिए, सीटू का झंडा है, मजदूर यूनियन का झंडा है, और ये एक स्वर में यही कह रहे हैं कि हमारे साथ में गलत हुआ है, बेरोजगार कर दिया गया है 186 लोगों को, और 186 लोग नहीं बल्कि 186 परिवार कहेंगे। पर इनको एक बड़ा आघात पहुंचा है। एटलस कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें बेरोजगार किया गया था और उसके बाद अब दूसरी मार इन सभी को हुई है। ऐसे में चौंकाने वाला विषय है। हालांकि अब इनकी कौन सुनवाई करेगा, कौन इन लोगों को, क्योंकि हम यहाँ पर पुलिस को भी देख रहे हैं, पुलिस के सामने ये लोग हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, विनती करते हुए नजर आ रहे हैं, तो पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंची, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस कहीं ना कहीं मजबूर है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए मास्क के बारे में कहते हुए, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस संबंध में पहुंची थी वहां पर कि भीड़ इकट्ठा हुई है, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी है। ऐसे में जो निकट का थाना होता है थानेदार घोषित माना जाएगा SSP की तरफ से, तो ऐसे में ये पुलिस वहां पहुंची है। उनसे ये कहा गया था कि भीड़ ना करें, भीड़ को जो अलग करने की बात कही गई थी पुलिस की तरफ से। हालांकि पुलिस ने ऐसा कोई भी बात नहीं कही कि वो उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, कंपनी मालिकों से बात करेंगे। फिलहाल सीटू पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है और इनके जो कर्मचारी हैं साथ में यूनियन के जो मेंबर हैं वो सभी इकट्ठा होकर एक स्वर में कह रहे हैं कि उनके साथ में गलत हुआ है, आघात पहुंचा उन्हें। कंपनी में इस तरीके से एक बड़ी संख्या के मजदूरों को, 186 मजदूरों को बेरोजगार किया गया है, 186 परिवार बहुत शुक्रिया जितेंद्र ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री जहां एक तरफ कह रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, वहीं रोजगार पाने वाले जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं।